मैंने जिस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम जितने मुझे पहले के ग्रुप्स थे, विद एन इंटेंशन कि कल जो मैंने बोला था कि मैं एमसीक्यू सेशन लाइव आऊँगा, तो उसके पीछे कुछ हिकमत भी थी। एसएसबी ने पोस्ट डेफर कर दिया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब इस चीज़ को लाइटली लेंगे कि नवंबर में है, मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, वो बहुत स्लोली अप्रोच करेंगे। बट उस चीज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं लाइव सेशंस लूंगा और इंटरेक्टिव सेशंस लूंगा, ताकि आप हर दिन जुड़े रहोगे। जब आप देखो 10 बजे तक, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, प्लीज अपने आप को सारे अनम्यूट करो। तो क्या मैं बोल रहा था कि जब आप दिन का सारा काम खत्म करके फिर भी 10 बजे आप क्लास के लिए आ जाओगे, तो आप में एक मोटिवेशन है, नहीं हमारा कोई एक गोल है जो हमें अचीव करना है। और जो भी, ये तो मैं अकाउंटेंसी आपको ऐसे ले रहा हूँ, आपके पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा आपको उनको देखना है, वो ग्रुप हमारा बराबर रहेगा कब तक, वो ग्रुप हमारा बराबर एग्जाम तक रहेगा। और कोशिश ये है कि जितने भी वो सारे बच्चे उस ग्रुप में ज्वाइन किए हैं आज तक, वो सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि हाँ, वो एक डिमोटिवेशन आ जाता है बच्चों का कि नवंबर में है तो लाइट ही लेते हैं, बट अगर आप डेडिकेटेड हो उसके लिए आपको एक मोटिवेटर की जरूरत पड़ती है, मेंटोर की जरूरत पड़ती है। तो मैं वो संदीप भाई प्लीज अपना अपना म्यूट कर लो, प्लीज अनम्यूट कर लो आपने उसको ना, अपने माइक को म्यूट कर लो, अपने वीडियो को भी म्यूट करोगे तो अच्छा रहेगा प्लीज। हाँ ठीक है दोस्तों, अभी 10 बज गए हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज। क्या अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है मैं कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, मैंने खुद ही बोला है कि एनसीईआरटी हो या सीए की बुक हो, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैंने अपनी बुक में डाल दिया था। रीजन मैंने कल भी बताया था पहले सेशन में कि दिक्कत क्या आ रही है, कुछ बच्चे एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कर रहे थे और उनको, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत है, हर चैप्टर में दो दो तीन तीन आंसर गलत है उनके, और बच्चे फिर कंफ्यूज होकर मेरे पास आ जाते हैं, मैं लिटरली थक गया था। तो इसी इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यू का सेशन भी लेते ही जाएंगे, और साथ में क्या होगा, एमसीक्यू सेशन भी लेते जाएंगे और साथ में रिवीजन भी होगी। जैसे कल हमने फर्स्ट सेशन किया था, मैंने सारे एमसीक्यू करा दे और बच्चों को ऐसा फील आ रहा था सर हमें ना ये कंपैरेबिलिटी रिलेवेंस अंडर ये क्वालिटेटिव करेक्टर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको वो भी रिवाइज कराया, तो उससे हमें डबल प्रैक्टिस होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करें आज का। अभिषेक गुप्ता नमस्ते, स्टार्ट करें आज का, बता दो किसी को कुछ पूछना तो नहीं अभी। चलो स्टार्ट कर लेते, ठीक है। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इस पे। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना? एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजिशन नाम के एक चैप्टर आ रहा है, उसका मैं स्टार्ट किया हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी की बुक का, उसके मैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, उसकी मैं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस है जो उतने अच्छे नहीं है, बट क्योंकि हम सारा करने जा रहे हैं तो इसलिए जरूरी है कि मैं सारी टेस्ट जितने भी ये एक्सरसाइज दिए वो करा दूंगा, ठीक है। जरा पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट, बोरे हैं जो डबल एंट्री है अकाउंटिंग, जो ड्यूअल एस्पेक्ट के बेसिस पे हम डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग करते हैं, इन तीन ऑप्शन में बताइए करेक्ट क्या है। जरा पढ़ लेते तीन ऑप्शन को। ऑल ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट्स मस्ट क्रिएट क्रेडिट टू लाइबिलिटी और कैपिटल्स, एक ये है। दूसरा, ए ट्रांजेक्शन दैट रिक्वायर्स ए डेबिट टू अ लाइबिलिटी अकाउंट रिक्वायर ए क्रेडिट टू एन एसेट अकाउंट, या एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद इक्वल डेबिट्स इक्वल टोटल क्रेडिट्स। तो डबल एंट्री का इन तीन में सबसे स्पेसिफिक चीज क्या है, इन तीनों में सबसे स्पेसिफिक चीज क्या है मेरे दोस्तों, इन तीनों में सबसे स्पेसिफिक चीज क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सबने आंसर दिया सर, थर्ड पार्ट डबल एंट्री का मेनली है। डबल एंट्री तो यही बोलते हैं, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपिटल। आपको बताना है वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जिनसे कैपिटल बढ़ सकती है या कैपिटल कम हो सकती है।
कैपिटल्स पे बात आ रही है, कैपिटल किस वजह से बिजनेस में बढ़ सकते हैं। हाँ, ड्राइंग से क्या होगा, इंजीनियर वहीद बोल रहा, ड्राइंग ड्राइंग से क्या होगा दोस्तों, कैपिटल कम होगी, और अगर आप कैपिटल लाओगे, फ्रेश कैपिटल लाओगे तो कैपिटल बढ़ेगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी। लॉस, लॉस से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। तो हमें समझ आया, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल लाने से आपकी जो इनिशियल कैपिटल थी, अब फाइनल कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, उसके बरक्स ड्रॉइंग से, लॉस से आपकी कैपिटल कम होगी। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, ठीक है ना। तो इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आता है फिर एग्जाम में, एक तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, आपको बताना है प्रॉफिट कितना है, तो आपको पता है किस किस वजह से बड़ा होगा, किस वजह से कम होगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स आपको करना है, तो उससे आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, एक्सपेंसेस भी कैपिटल तो कम होता है, बट एक्सपेंसेस या इनकम जो है ये सारी पहले हम पीएनएल में लेते हैं, तो नेट बात हम यहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट से बढ़ता है, लॉस से कम होता है, एक्सपेंस से एट द एंड ऑफ द डे तो कम ही हो जाएगा कैपिटल, ठीक है ना दोस्तों। वेरी गुड, ये भी बिल्कुल आंसर आप लोगों को समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, डज डेबिट ऑलवेज मीन इंक्रीज एंड क्रेडिट ऑलवेज मीन्स डिक्रीज। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब बच्चा नया नया आता है तो बोलता है सर डेबिट का मतलब होता है घटाना, क्रेडिट का मतलब होता है उल्टा, बोलते सर डेबिट होता है बढ़ाना, क्रेडिट होता है ना कम करना, तो क्या ये हर बार ये मतलब होता है? नहीं सर, ये हर बार नहीं होता है ये मतलब, डेबिट का मतलब कम करना, क्रेडिट का मतलब बढ़ाना, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। कुछ अकाउंट्स डेबिट जब हम बोलते हैं इंक्रीज करने पे उनको डेबिट करते हैं, है ना। समरीन ने वर्ड यहां पे यूज किया, समरीन ने यहां पे वर्ड यूज कर दिया, डिपेंड्स ऑन अप्रोच, नो नॉट ऑन अप्रोच, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अकाउंट, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ अकाउंट। अगर एसेट है, हमने पढ़ा ना एक तरफ से मैंने मॉडल में क्या रखा, एसेट और एक्सपेंस, दूसरी टाइप से मैंने रखा कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अगर एसेट या एक्सपेंस है तो वो डेबिट से बढ़ जाएगा, वो डेबिट से बढ़ जाएगा, वेरी गुड। सुरेश ने बिल्कुल सही लिखा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड ऑन इंक्रीज। तो हर वक्त डेबिट का मतलब इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि एसेट और एक्सपेंस के वक्त में, और उनका उल्टा कैपिटल उसमें होता है। तो उसमें तो ये जो नॉर्मली जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनको यही कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, तो ये परसेप्शन गलत हो गया। जब आपने समझा तो आप इस नतीजे पर, नहीं 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 ये जो हमने समझा था ये सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो, वेरी गुड। फोर्थ पार्ट देखें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका रिविजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स प्रॉपरली classify these commonly used accounts, which of the following answers properly classify these used account। आपको 10 account दिए हैं और इन्होंने bifurcation किया है, कुछ asset, liability, capital, revenue, expense। आपको बोलना है ऊपर वाले जो है, ये नीचे जो तीन है first, second और third, इनमें से कौन सा सही represent करता है। तो इस चीज के लिए सबसे सही approach क्या होता है, ऐसी चीजों के लिए सबसे सही अप्रोच क्या होता है, आप पहली वाली चीज को देखो। अच्छा, पहली वाली चीज बिल्डिंग है, देखो नीचे वाले ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, बिल्डिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने कौन सा अप्रोच फॉलो किया सर, यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न अप्रोच रखा है, क्योंकि जो बाइफरकेशन दिया है मेरे दोस्तों, जो बाइफरकेशन दिया है वो दिया है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, तो ये मॉडर्न अप्रोच है। तो बिल्डिंग कहाँ आएगा सर, बिल्डिंग तो मॉडर्न में आएगा। तो जरा देखो नीचे की जो तीन ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें एसेट में बिल्डिंग होना चाहिए, एसेट में नंबर वन आना चाहिए। नीचे वाले तीन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में वन कहां पे आ रहा है सर, वन सेकंड में आ रहा है। इट मींस इधर ही आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? वन एसेट है, एसेट कहां पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, सेकंड में है, तो वन और थ्री बिल्कुल बिल्कुल गलत है, आपको छोड़ देना है उनको। बट हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अभी एग्जाम नहीं है, हमें लॉजिकली हर एक तो समझना है। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चला, विद इन 5 seconds आपको पता चला करेक्ट आंसर इज सेकंड। आपको एग्जाम में अगर ये आएगा, आपको देखना करेक्ट टू में आया तो बस, बाकी सबको देखना नहीं है। बट हम यहाँ पे समझेंगे हर एक चीज को, यहाँ पे हर एक चीज को हम लॉजिकली समझेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों में कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है, ठीक है, जरा हर एक चीज को हम अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, वेजेस क्या है सर, वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां पे आना चाहिए सर, टू आना चाहिए एक्सपेंस में। तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी मेरे दोस्तों देखो, यहां पे भी जब तुम देखोगे
टू आ रहा है एक्सपेंस में, आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है सर, टू आ रहा है एक्सपेंस पे, टू आ रहा है एक्सपेंस पे, ये देखो टू आ रहा है एक्सपेंस। तीसरा क्या है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल, क्रेडिट हो या कैश सेल हो, सेल इज इंपॉर्टेंट, सेल इज रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू, थर्ड रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू में थर्ड आ रहा है। देखो ये देखो इसी में देखो, टू में ही सब सही आ रहा है, वन भी आ रहा है, वन भी आ रहा है मेरे दोस्तों, वन भी आ रहा है अभी, टू भी आ रहा है और थ्री भी आ रहा है। फोर्थ क्या है, परचेजेस, सर परचेज इज इन एक्सपेंस, परचेज इज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस में आना चाहिए फोर। ओके ओके, इन्होंने क्या किया एक्चुअली यहां पे, सॉरी इन्होंने यहां पे, अब देखो यहां पे गलती क्या कर दी इन्होंने, यहां पे देखो अब इन्होंने गलती क्या की है मेरे दोस्तों, इन्होंने आप गलती क्या है, क्रेडिट परचेजेस लिखा है, अब देखो यहां पे इन्होंने क्या गलती की है, बहुत बड़ी इन्होंने गलती की है समझने की एनसीईआरटी वालों ने, क्रेडिट परचेजेस यहां पे परचेज पे हिट हो रहा था तो परचेज इन एक्सपेंस, तो फोर इधर आना चाहिए। इन्होंने क्या गलती की है, ये फोर इन्होंने इधर ले लिया है, ये फोर लायबिलिटीज में नहीं आना चाहिए, ये फोर इधर आना चाहिए, क्योंकि आप हिंट दे रहे हो परचेज को लेके, ठीक है उससे आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, बट हम अभी परचेज पे फोकस कर रहे हैं। फिर आपका क्रेडिट सेल अगर होगा, क्रेडिट सेल होगा फिर आपका वो डेटर था, फिर तो वो अगर आप उस एंगल से लेते हो तो थ्री इधर आना चाहिए था। तो यहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे क्रेडिट परचेज है क्रेडिट सेल है, यहां पे इनका इंटेंशन था कि सेल या परचेज बोलने का, और सेल इज रेवेन्यू तो उसमें आना चाहिए, परचेज इज एक्सपेंस तो उसमें आना चाहिए था। चलो मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा, मैं जूम कर लेता हूं दोस्तों, मैं जूम कर लेता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा रिपीट करता हूं मेरे दोस्तों, परचेजेस एक्सपेंस में आना चाहिए था, क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू में आना चाहिए। हम दोनों चीजों को तो नहीं देखेंगे ना कि दूसरा तो डेटर हो गया इसमें, हम सेल्स और परचेज पे फोकस करेंगे। तो सेल्स अगर इसने ठीक रेवेन्यू में लिया तो परचेज इसको एक्सपेंस में लेना चाहिए था, तो प्लीज आप इसको चेंज कर देना, अपने जो इधर लायबिलिटीज में फोर लिखा है इसको हटा देना, ये इधर आएगा, बट स्टिल फिर भी ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, बाकी इसने गलत किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ड्यू बट नॉट येट पेड, दिस इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फाइव इज लाइबिलिटी, सर वो लाइबिलिटी में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है वो लाइबिलिटी में आ गया। उसके बाद गुड, गो डाउन रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया तो वो आपका एसेट कहलाता है, जो चीज आप एडवांस में पे करोगे वो आपका एसेट बनेगा, तो वह सिक्स है तो वो भी इधर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्स, सर सेल आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू 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 सेवन, वो रेवेन्यू में जाएगा। उसके बाद फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल कहां पे जाएगा मेरे दोस्तों, वो आपका क्या बढ़ाएगा, वो आपका कैपिटल बढ़ाएगा, तो वो एट इधर आएगा। उसके बाद ड्रॉइंग्स, सर ड्रॉइंग से आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, ड्रॉइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, तो ड्रॉइंग भी जो इसने गलत किया है एनसीईआरटी ने, अनफॉर्चुनेटली इसी से बच्चों को गलती होती है, ये नाइन इधर नहीं होना चाहिए था, ये नाइन इधर होना चाहिए था। डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड इज एन एक्सपेंस, वो टेन है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की गलतियां एनसीईआरटी करता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह की गलतियां एनसीईआरटी करता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारी अंडरस्टैंडिंग तो इधर आना चाहिए था। तो ये सारे ऑप्शंस देखा जाए तो कायदे से गलत है, बट स्टिल इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन बहुत हद तक सही था, बहुत हद तक सही था, बट क्योंकि एनसीईआरटी में टाइप एरर्स बहुत ज्यादा है और ये गलतियां इनमें पाई जाती है। आई विल ट्राई ऑन माई बिहाफ, लास्ट में जितना भी बैच होगा मैं एनसीईआरटी को एक मेल करूंगा, जहां जहां भी हमें लगा है इनकी बुक्स में टाइप एरर है, कोशिश करेंगे उनके उन तक लाने की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको ठीक करा, हमें समझ नहीं आया, मैं फोर्थ पॉइंट को रिपीट करता हूं। फोर्थ पॉइंट था मेरे दोस्तों क्रेडिट परचेजेस, ठीक है ना, यहां पे इसने जो क्रेडिट परचेज लिया तो हमारे लिए यहां पे क्रेडिट इरिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट सेल्स था या क्रेडिट परचेज था, इसमें फिर दूसरी पार्टी डेटर भी आ रहा है, बट हम यहां पे सेल्स में फोकस कर रहे हैं और परचेज में फोकस कर रहे हैं। तो सेल आपका मेरे दोस्तों मॉडर्न अप्रोच में सेल आपका रेवेन्यू है और परचेज आपका एक्सपेंस है, सेल आपका रेवेन्यू है तो परचेज आपका एक्सपेंस है। तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली परचेज को कहां पे रखा था, इन्होंने इसको लायबिलिटी में रखा था, तो वो तो दूसरा पार्ट उसका आ गया ना, क्रेडिटर अगर लिखा होता क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को मैं फोर रख ला, बट क्रेडिटर नहीं था, क्रेडिट परचेज में यहाँ पे हिंट परचेज की ओर दे रहा था, तो परचेज मेरा एक्सपेंस में आना चाहिए, तो फोर इधर आना चाहिए था। और नाइन पे भी इन्होंने गलती की थी, नाइन में बोल रहे हैं एक्सप्लेन करो, ड्रॉइंग से क्या होता है मेरे दोस्तों, ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल कम होती है, आप पांच में बाइफरकेट करते हो, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना, ये पांच है,
तो ड्रॉइंग क्या है बेसिकली, आप कैपिटल लाते हो, जो आप पैसा बिजनेस में लगाते हो वो आपका कैपिटल बनता है। जब उसी पैसे को आप निकालते हो तो उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। हाँ हम उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, बट आप इन पांच में कहां फॉल करेगा, वो कैपिटल में करेगा, एक्सपेंस में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो बिजनेस का एक्सपेंस तो है थोड़ी, जो आप बोलते हो बिजनेस एंटिटी कंसर्न, बिजनेस अलग है, एंटिटी अलग है और मालिक अलग है, तो उसका उसने पैसा निकाला तो बिजनेस का एक्सपेंस कैसे वो होगा, वो बिल्कुल गलत बात है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की धज्जियां उड़ानी है, उसको एक्सपेंस मानना, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है मेरे दोस्तों। अब समझ आया सारा ये क्वेश्चन, समझ आया मुझे बता दो कि किसी को कोई और डाउट है। हाँ बिल्कुल, ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है तो कैपिटल से लेस करेंगे, ये कैपिटल का पार्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन रियाज भाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर तो कैपिटल ही होता है ना मेरे दोस्त, तो वही कैपिटल कम हो गई, दैट इज परफेक्टली फाइन। बाय क्रेडिट परचेज लायबिलिटी इज क्रिएटेड, बट फिर इससे पहले तो क्रेडिट सेल था ना मैक, तो क्रेडिट सेल से फिर क्या होता, डेटर हो जाता, फिर डेटर आप बोलते हैं कि एसेट में आ जाता। तो यहां पे हिंट सेल की थी ना, एक चीज को पकड़ लो, तो जब उधर सेल पकड़ लिया तो यहां पे भी परचेज को पकड़ रहा है, तो उससे क्या क्रिएट होता, फिर तो हर चीज से कुछ ना कुछ क्रेडिट या डेबिट हो ही जाता है ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर वन क्लियर। हाँ सर क्लियर है। इरफान मैं मार रहा हूं क्रेडिट परचेज इज ए लायबिलिटी, मुझे बता दो। ठीक है, यहां पे फोकस क्या करना चाहता है, इसको क्लैरिटी नहीं दी ना इसने पूरी, ये क्या क्रेडिट परचेज से लायबिलिटी क्रिएट होगी, उसको एंगल में देखो कि परचेज भी तो हो रहा है ना मेरे दोस्त। इरफान मुझे बताओ, परचेज भी तो हो रहा है ना, तो परचेज इज एक्सपेंस ना, चाहे कैश में करो या क्रेडिट में करो, परचेज इज एक्सपेंस। इससे पहले वाला तो क्रेडिट सेल था, फिर मुझे बता दो या तो क्रेडिट सेल वाला गलत बता दो या क्रेडिट परचेज वाला। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं इरफान कि क्रेडिट परचेज से लायबिलिटी क्रिएट होती है, मैं कहां उसको डिनाई कर रहा हूं। अब मुझे बताओ फिर इससे पहले क्रेडिट सेल से डेटर तो क्रिएट होता है ना, या तो फिर मुझे बताओ वो गलत है या मुझे बता दो ये गलत है, दोनों में से एक तो गलत है ना। हाँ आप समझ पा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें क्रेडिटर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसने गलत किया है। क्रेडिट सेल को जब इसने क्या बोला कि रेवेन्यू है, क्रेडिट सेल इसने रेवेन्यू में डाल दिया ना एनसीईआरटी ने, तो मैं हिट मार रहा हूं कि ये सेल के लिए फोकस कर रहा है। क्रेडिट सेल से डेटर क्रिएट होगा, वो इनडायरेक्ट मतलब निकलता है। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बनेगा तो वो इनडायरेक्ट मतलब निकलता है। अपेरेंटली मतलब जो बोल रहा है ये परचेज में फोकस कर रहा है, या तो इसको ये चीज रखनी नहीं चाहिए थी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, घबराना नहीं है, हम लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्तों, हम लॉजिक को समझने की कोशिश, क्या होना चाहिए। इरफान मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज या थर्ड वाला गलत है या फोर्थ वाला गलत है, दोनों में से तो एक गलत है, दोनों चीजों को आपने, हाँ या तो फिर क्रेडिट सेल वाले को एसेट में बोलो, बट इसको क्रेडिट सेल वाले में थर्ड को कहां रखा है, थर्ड को इसने कहां रखा है, एसेट में नहीं रखा है ना, थर्ड को इसने रेवेन्यू बोला है सेल कंसिडर करके। मैं बोल रहा हूं चल मैं एनसीईआरटी की इस बात को सही मान रहा हूं, क्रेडिट सेल में ये हिंट बोल रहा है कि भाई सेल पे फोकस कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है सेल पे फोकस कर रहा है रेवेन्यू, फिर क्रेडिट परचेज लिया तो किस पे फोकस करोगे, परचेज में, परचेज इन एक्सपेंस तो उधर आना चाहिए। अरे समरी मैं बोल रहा हूं क्रेडिट परचेज से लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट सेल से डेटर भी क्रिएट होता है ना, आप उस चीज को क्यों नहीं मानने की कोशिश करोगे। क्रेडिट सेल होता है तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है और आपका डेटर बढ़ता है राज भाई, जब क्रेडिट सेल होती है आपका रेवेन्यू भी बढ़ता है आपका डेटर भी बढ़ता है, तो लगा लो दोनों में फिर इसको। ठीक है चलो इस पे हम ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं, एनसीईआरटी को या तो थर्ड वाला आंसर चेंज करना है या फोर्थ वाला आंसर चेंज करना है, और रही बात ड्रॉइंग की तो वो कैपिटल का पार्ट है, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो आई थिंक अब इस क्वेश्चन को हम क्लोज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इज इट ओके? ठीक है इरफान, ठीक है ना? मुनीब बोल रहा है रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, भाई रेवेन्यू इट इज नॉट नेसेसरी आपका कैश आने, रेवेन्यू का मतलब क्या है, सेल ना, तो सेल तो हो गई ना आपकी मेरे दोस्त। रेवेन्यू सेल को बोलते हैं मेरे दोस्त, तो सेल तो हो गई ना मेरे दोस्त,
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कब होती है, जब सेल होती है, तो रेवेन्यू तो है ये मुनीब, ये रेवेन्यू है, कैश का आना इज नॉट क्राइटेरिया कि हम उसको रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, रेवेन्यू है ये, सेल रेवेन्यू है मेरे दोस्त, ठीक है। एक फिर भी इससे ये चीज था कि आपको कुछ चीजों पे फोकस आ गया, स्पेशली थर्ड नंबर पॉइंट इसमें अच्छा था, जो ये था थर्ड वाला फोर्थ वाला ये क्लियर हो गया, और क्वेश्चन नंबर थ्री जो इसमें था वो भी अच्छा था, जिसमें बच्चों को पहले स्टार्टिंग में गलती होती है, बट इसको समझने की वजह से इनको क्लियरिटी आ गई, और कैपिटल किससे बढ़ती है किससे कम कम होती है वो भी एक अच्छी चीज थी जो हमने कवर कर दी, ठीक है दोस्तों। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर सेकंड पे मैं आ जाता हूं, हम पहले कोशिश करेंगे ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स ये टेस्ट सीरीज करने का, और बाद में हम कोशिश करेंगे क्या बोलते हैं इसको आपको वॉइस के थ्रू बात करने का, ठीक है दोस्तों। चलो देखो देखो यहां पे देखो क्या बोलते हैं ये, स्टेट द टाइटल ऑफ द अकाउंट्स इफेक्टेड, ये जो अकाउंट्स नीचे ट्रांजैक्शंस दी है इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब आप प्लीज दो मिनट के लिए कमेंट्स को बंद करो, हम पहले इन पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, फिर मैं कमेंट्स देखूंगा, ठीक ना दोस्तों। अब मैं कुछ बोल रहा हूं, प्लीज आप दो मिनट के लिए टाइप करना बंद कर दो चैट में। स्टेट द टाइटल ऑफ द अकाउंट्स इफेक्टेड, ये जो अकाउंट्स है इनका टाइटल मतलब कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा अकाउंट, चाहे आप ट्रेडिशनल से बोलो पर्सनल रियल या नॉमिनल, या मॉडर्न से बोलो कैपिटल एसेट लायबिलिटी वो, एंड द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अब पहला है बानो कमेंसेड बिजनेस विद कैश, इसमें मुझे बता दो बानो ने बिजनेस इन्वॉल्व में कर दिया, कैश और कैपिटल इन्वॉल्व हो गया। अब मुझे बताओ कैश का नेचर, कैश के नेचर जल्दी बताओ मुझे, कैश और कैपिटल, हम यहाँ पे मॉडर्न से चलेंगे क्योंकि इसने जो क्वेश्चन है मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व किया है। कैश एसेट, दूसरा अकाउंट कैपिटल इन्वॉल्व हुआ, कैपिटल कैपिटल में आएगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मॉडर्न से चलो, आप मॉडर्न से चलो, एक अप्रोच करना है हमने यहाँ पे, तो मॉडर्न से चलो प्लीज, सारे जवाब मॉडर्न से दे दो, इस क्वेश्चन में इन्होंने जो आंसर दिए वो मॉडर्न से दिए, मॉडर्न से मुझे जवाब चाहिए, कैश और कैपिटल, ठीक है ना, तो कैश एसेट कैपिटल तो कैपिटल ही है, ठीक है दोस्तों, और कैश को डेबिट करेंगे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, आपने रमेश से गुड्स परचेज कर दिए, इसमें बता दो रमेश से गुड्स परचेज कर दिया आपने, सर एक तो परचेज इन्वॉल्व हो गया रमेश इन्वॉल्व हो गया, मेरा आंसर कैसे आना चाहिए, देखो परचेज आंसर आपका ऐसा आना चाहिए सर, अकाउंट्स इन्वॉल्व परचेज और रमेश, स्टेप नंबर टू नेचर परचेजेस एक्सपेंस रमेश लाइबिलिटी आएगा यहां पे, देन थर्ड में आना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, इस चीज से मुझे ऐसे मुझे बता दो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है दोस्तों। थर्ड चीज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन सा, कैश और सेल, कैश और सेल, दूसरी चीज कैश कैश एसेट, वेरी गुड, कैश एसेट सेल रेवेन्यू, ऐसे बता दो कैश एसेट सेल रेवेन्यू, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, इस तरीके से मेरा आंसर आना चाहिए जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना, इस तरीके से आंसर आना चाहिए। चलो फोर्थ पे आ जाओ, पेड सैलरीज इन अकाउंट्स इन्वॉल्व, सैलरी कैश, अब बताओ सैलरी एक्सपेंस कैश एसेट सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, मेरे साथ साथ रिपीट कर लो खुद ही, वेरी गुड, परमवीर ने सही से बोला सैलरी एक्सपेंस कैश एसेट सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, समरी ने सही किया सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश एसेट क्रेडिट, ऐसे ही तीनों चीजें हो जाएगी कवर, ऐसे ही कर लो सब सब ऐसे ही आंसर बोलो। फिफ्थ पार्ट परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश क्या हो जाएगा, फर्नीचर एसेट डेबिट कैश एसेट क्रेडिट, ऐसे आंसर बता दो, फर्नीचर टाइटल टू द अकाउंट नेचर एसेट व्हाट टू बी डन डेबिट क्रेडिट, द आंसर इज डेबिट, ठीक है। कैश क्या है, कैश क्या है, कैश एसेट है वो भी बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे दोस्तों मतलब एसएसबी जब क्वेश्चन पूछेगा वो तो नहीं बोलेगा ना आपको जर्नल एंट्री करो, वो तीन में से कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, बताओ इसका नेचर क्या है, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन प्रीपेड रेंट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलेंगे कैश क्या है,
तो आपको तीन चीजें यहाँ पे बोले, नो मैटर आपको जर्नल एंट्री करनी आती है, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सही वक्त पे कि क्या है, हालांकि जब आपने जर्नल एंट्री कर दी एज्यूम आपको आता है वो चीज, तो प्लीज तीनों चीजों को बताने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो ना। चलो आगे चलें, वन टू फाइव क्लियर, ऑल डन, थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी। चलो दिख रहा है ना अच्छे से, और जूम मत करूं मैं। सिक्स, फॉरवर्ड बोरोड फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने बोरो कर दिया, अकाउंट इन्वॉल्व, बैंक 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 और कैश, बैंक और कैश, कमॉन कमॉन जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत थम्स अप हो गए। अब ट्रांजैक्शन में बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, बैंक और कैश, बैंक से बोरो कर दिया मनी, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्या होगा, बैंक क्या बनेगा आपका, बैंक बताओ मुझे जल्दी, बैंक क्या बनेगा, आई नीड आंसर फॉर बैंक, कैश तो पता है एसेट है, here 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 bank is not an asset, bank is not an asset, here bank is not an asset, no 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 going wrong, yes bank is a liability, surinder singh ne pehle se hi bola bank liability, bank liability aayega yahan pe, ab 1 to 5 hum traditional mein ja rahe hain arif bhai, 1 to 5 hum traditional mein gaye the to 6 7 8 9 bhi sorry 1 to 5 hum modern se chal rahe the to 6 7 8 9 bhi modern se bol raha hai, personal mat bolo, bank yahan pe liability hai, बैंक यहां पे लाइबिलिटी है, वेरी गुड, अब सही आंसर रहने लगे, बैंक से आपने पैसा ले लिया तो इसको क्या बोलते हैं, बैंक लोन बोलते हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, मॉडर्न अप्रोच अभिषेक भाई, मॉडर्न अप्रोच में आपके है या तो कैपिटल होगा या तो रेवेन्यू होगा या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट होगा या तो लाइबिलिटी होगा, आपने बैंक से कैश ले लिया तो आपके पास कैश आया, कैश आया तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एसेट बढ़ गया, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या हो गया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट आ गया यहां से क्या बढ़ गया सर, यहां से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, यहां से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। एक दोस्त है उमर फारूक, इसने मुझे बोला बैंक इज अ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, उमर भाई अभी ना मैंने एक लेक्चर लाइव सेशन लिया था दो एक हफ्ता पहले जर्नल एंट्रीज पे, वो प्लीज देखो, उसमें मैंने ये चीजें क्लियर करा दी है, जिन चीजों पर डाउट होता है बैंक के बारे में, और बैंक के बारे में ज्यादातर डाउट होता है परचेज और सेल के बारे में डाउट होता है कि ये रियल है पर्सनल है क्या है, तो वो मैंने नॉमिनल है वो मैंने वहां पे कवर करा था, प्लीज उस लेक्चर को देख लेना, जर्नल एंट्रीज पे मैंने अभी लेक्चर लिया था एनसीईआरटी की बुक से, इसी चैप्टर के इलस्ट्रेशन नंबर 2 को मैंने सॉल्व करा था, वहां पे मैंने इसको कवर करा दिया था। आई होप जिसने मुझे ये पूछा था कि लायबिलिटी है क्या, उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे शायद अभिषेक ने पूछा था बैंक लायबिलिटी कैसे है, अभी प्लीज हम ट्रेडिशनल को भूल जाओ, हम मॉडर्न से इस क्वेश्चन को कर रहे थे, हम मॉडर्न से इस क्वेश्चन को कर रहे थे, मॉडर्न से मुझे आंसर चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन ये सब कुछ अभी भूल जाओ, फिलहाल इस पे डिबेट नहीं करनी है, मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, अभिषेक भाई मुझे जल्दी बता दो, मॉडर्न अप्रोच में बैंक लायबिलिटी क्यों था यहाँ पे, क्योंकि बैंक ने हमें पैसा दे दिया तो मेरी बुक्स में बैंक किस तरफ से आएगा, लायबिलिटी तरफ से आएगा, अभिषेक वेरी गुड, हाँ डन है सर। चलो आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू सरिता, सरिता को गुड सेल कर दिए, अकाउंट्स इन्वॉल्व, सरिता सेल, सरिता एसेट, डेबिट, सेल्स रेवेन्यू, रियाज सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, रियाज सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा, आपने डेबिट लिखा, आई थिंक ये आपको टाइपो एरर हो गया, बाकी सब ने ठीक आंसर दे दिया, बाकी सब ने ठीक आंसर दे दिया, ओके वेरी गुड, टाइपो एरर था। चलो आगे चलते हैं, कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट, रमेश आरडी आपका डेटर था, रमेश आरडी आपका क्रेडिटर था, पता नहीं इस पे क्या उसने रखा है, देखना पड़ेगा, कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट, वेरी गुड, ये मैं देखना चाहता था, ये बोला है आंसर मनिया ने बिल्कुल सही बोला था सर, रमेश अब सीख आंसर है, रमेश आपकी लाइबिलिटी थी ऑन अकाउंट, मीन्स ये ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो गई थी, अब आपने इसको पे किया था तो आपकी एक लाइबिलिटी कम होगी, आपका एसेट कम होगा। अभिजीत सक्सेना प्लीज, हम मॉडर्न अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट हम मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, तो मॉडर्न अप्रोच में बोलो कैश एसेट, और रमेश आपकी लायबिलिटी थी जो आपकी कम होगी, लायबिलिटी आपकी कम होगी और एसेट भी आपका कम हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद रेंट पेड,
आपका रेंट पे कर दिया, यहां पे क्या है रेंट और कैश, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सारे मुझे बता दो रेंट एक्सपेंस है क्या। अरे फिर भी आप लोग रियल और नॉमिनल की बात कर रहे हो। यस जैक ने बोला रेंट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही है, रेंट एक्सपेंस है और कैश आपका एसेट है और एसेट आपका कम हो गया। ठीक है दोस्तों, समरीन का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, बड़े टाइम से दो तीन क्वेश्चन से समरीन का कोई आंसर नहीं आया। हाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश एसेट, कैश एसेट क्रेडिट, समरीन कैश एसेट क्रेडिट। आपने रेंट कैश को डेबिट किया है, कैश क्रेडिट होगा। ओके टाइपो एरर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दो इलस्ट्रेशंस हमारी क्लियर हो गई अभी तक, दो इलस्ट्रेशंस हमारी क्लियर हो गई। आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है या नहीं हो रही है मुझे जल्दी बता दो, तब तक मैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड पे आ जाता हूं। वैल्यू एडिशन हो रही है या नहीं हो रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है कि बोर हो गए। चलो ठीक है ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड पे आ जाएं। ओ बच्चे तो आंसर भी देने लगे, मैं अभी बोल रहा हूं थर्ड पे चलेंगे, बच्चे आंसर भी देने लगे, चले थर्ड पे। हाँ चलो थर्ड पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर वन, द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ जर्नल, जर्नल में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले डेट, उसके बाद हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं हम लेजर फोलियो, फिर लिखते हैं डेबिट, फिर लिखते हैं क्रेडिट। जब मैंने आपको जर्नल पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि इस लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, इस लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, अब मुझे डी में आंसर नहीं चाहिए। इस लेजर फोलियो का मतलब होता है कि लेजर में जो होगा अकाउंट कौन से पेज नंबर पे होगा, मतलब आपको अगर देखना है ये ट्रांजेक्शन लेजर के कौन से पेज नंबर पे गई है, जिस भी अकाउंट में गई होगी तो वहां पे पता चलेगा, समझाई बात। अगर आपको यहां पे आप ऑडिट करने गए, जो ही आप लेजर फोलियो देखोगे अब आपको चेक करना है क्या इस बंदे ने सही से वहां पे एंट्री किया नहीं किया, तो लेजर फोलियो आप जाओगे, लेजर फोलियो ये लिखा है पेज नंबर 9, तो आप जाओगे लेजर के पेज नंबर 9 पे, वहां पे एंट्री मिलेगी, इट मींस हाँ भाई इसने यहां पे डाली है तो कहीं इसने गलती नहीं की है, ये वहां पर भी मदद देगा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं है, लेजर फोलियो ट्रांजेक्शन के वक्त ही करता होगा बंदा, जर रिकॉर्डिंग करता होगा, जब वो लेजर में एंट्री करता है उसके बाद वापस आता है जर्नल पे और बोलता है कौन से पेज नंबर पे मैंने रखा है। अगर अकाउंट का आपको पता ही है तो ठीक, नहीं तो अगर अभी आपने अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आप अकाउंट बनाओगे उस पेज नंबर पे, वहां पे एंट्री करोगे फिर जाके इधर आ जाओगे। वेरी गुड, रियाज ने बिल्कुल सही बोला, सर पोस्टिंग के वक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे प्रैक्टिकली ये सब कुछ नहीं होता आजकल, आजकल टैली वैली होता है, इंशाल्लाह एग्जाम के बाद मैं आपको टैली वैली भी सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बनाऊंगा, बस सर्टिफिकेट की कमी होगी कि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गए, वो सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकता, बट आप जॉब के लिए जाओगे आप इतना बोल रहे हैं कि मैंने हमने यहाँ से पढ़ा है, इंशाल्लाह आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, इंडस्ट्री में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली टैली भी सिखा दूंगा कि कैसे ये अकाउंटिंग एंट्री करते हैं और कैसे फिर जर्नल के जर्नल एंट्री करते हुए सीधे बैलेंस शीट आपकी सामने आ जाती है, उस टाइम पे हम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपने सही बोला, तो मुझे अब इसमें लगता नहीं है कि किसी को डाउट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, इसमें हम लेजर अकाउंट का पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, वन में किसी को डाउट नहीं होगा, मैं टू पे आ जाता हूं। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस ऑन क्रेडिट। अगर मैं आपको बोलूंगा जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप बोलोगे सर बहुत तो सिंपल है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना। अब नॉर्मली हम ट्रेडिंग कंसर्न का मैंने लिया था, मेरा रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, अब मुझे लगता है मुझे एक शॉप खोलनी पड़ेगी रेडीमेड गारमेंट की, जितनी मैंने एग्जाम्पल्स दी है बच्चों को। तो अगर हम बोलता हूं मैं क्रेडिट सेल, आप सीधे बोलते हो सर एंट्री तो हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहां पे क्या किया, यहां पे इसने बोला पहले सेल ऑफ गुड नहीं बोला, सेल ऑफ गुड नहीं बोला, सेल ऑफ सर्विस बोला, आपने सर्विस दे दी। सर्विस कौन देता है, सर्विस इंडस्ट्री में सारे सर्विस देते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर में टीचर है, टीचर सर्विस देता है, वो तो कोई गुड नहीं देता है, आप समझ लो मैंने
मैंने सेल ऑफ, जब मैं सर्विस देता हूं तो मैं क्या उसको बोलूंगा, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस, तो इसको बोलते हैं सेल ऑफ सर्विस, मैं बोलूंगा सेल ऑफ सर्विस, ठीक है ना। अब जब मैं गुड सेल करता हूं तो मैं जो अकाउंट खोलता हूं उसको बोलता हूं सेल्स अकाउंट, बट जब मैं सर्विसेज देता हूं तो मैं जो वो अकाउंट खोलूंगा, जो मेरा रेवेन्यू वाला अकाउंट होगा, उसको मैं कुछ नाम दूंगा। जैसे मैं अगर टीचर होऊंगा प्रैक्टिकली, और मैं फीस लेता हूं बच्चों को, तो मैं क्या रखूंगा उसको, मैं अपनी इनकम का हेड जो बनाऊंगा कौन सा रखूंगा, ट्यूशन फी अकाउंट, ट्यूशन फी बोलूंगा ना। मैं जो रेवेन्यू का अकाउंट बोलूंगा क्या बोलूंगा, ट्यूशन, मैं उसका अकाउंट क्या रखूंगा, ट्यूशन फी। तो आप अगर मुझे कैश दोगे तो मुझे 500 रुपया आ जाएगा फी, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट, यही एंट्री करूंगा ना। जैसे डॉक्टर होगा, डॉक्टर क्या करेगा, कंसल्टेंसी फी, तो अपना अकाउंट खोलेगा कंसल्टेंसी फी, तो जो भी वो अकाउंट होगा उस नाम का अकाउंट खोलेगा, जो भी उसको नॉमिनलेचर सही रहेगा उसका, उनको अपना अकाउंट खोल देना है, तो एंट्री करेगा फिर डायरेक्ट अकाउंट डेबिट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फी अकाउंट, तो जो उसका रेवेन्यू होगा। समझ आई बात, वेरी गुड, रेस्पेक्ट अकाउंट। उसी हिसाब से क्वेश्चन था, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा था कि सर ये कैसे सही आएगा, ये हमें समझा दो। अब मुझे बता दो, क्या आपको अब ये क्वेश्चन करना आ जाएगा, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ सर्विस, तो सेल ऑफ सर्विस में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट खोलना है ऑन क्रेडिट डेटर, तो डेटर को डेबिट करना है और जो आपकी फी इनकम होगी जो भी वो होगी उसको क्रेडिट करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। तो क्या आपको ये समझ आया, क्या आपको ये चीज समझ आ गई, इसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पूछा था, मुझे समझ आया था उनको क्यों गलत, क्या अब आपको बताओ समझ आया कि नहीं आया, कोई है जिसको समझ नहीं आया, मानिया बोलता है समझ नहीं आया। देखो मानिया शबीर, जब आप सर्विसेज, जब आप सेल ऑफ गुड्स करते हो, तो जब आप सेल करते हो तो आप अकाउंट कौन सा क्रिएट करते हो, सेल्स अकाउंट। जब मैं नकद किसी को बेचता हूं तो मैं बोलता हूं मैंने नकद सेल कर दी, इसकी जब मैं अकाउंट एंट्री करता हूं मैं बोलता हूं मेरे पास कैश आया और सेल मेरा रेवेन्यू है तो सेल को क्रेडिट करूंगा, तो मैं एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। जब मैं कैश सेल करता हूं, मैं एंट्री करता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या इसमें किसी को डाउट हो रहा है, नहीं सर। बट इसी चीज को अगर मैं उधार में बेचता हूं तो मैं बोलता हूं कैश तो मेरे पास आएगा नहीं, मैं डेटर क्रिएट करूंगा, तो मैं एंट्री करता हूं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट सेल ऑफ गुड्स की बात हो रही है ना, आप मुझे बता, अगर आप सेल ऑफ गुड्स नहीं, आप सर्विसेज दे रहे हो, जैसे प्राइवेट डॉक्टर है वो तो बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हम बोलते हैं, वो पेशेंट से जो फी लेता है तो उसकी जो इनकम है उसका रेवेन्यू क्या है, कंसल्टेंसी फी है ना मेरे दोस्तों, और वो सेल ऑफ मेडिसिन भी हो सकता है, तो सेल ऑफ मेडिसिन अगर वो है वो तो गुड्स हो गया तो उसको वो सेल में डालेगा, बट जो कंसल्टेंसी फी ले रहा है वो उसको क्या बोलेगा, वो फी इनकम बोलेगा ना, तो यहां पे जो उसका वो हेड होगा वो कौन सा होगा, फी इनकम होगा। तो फिर क्या वो करेगा, जब उसने, अगर मैं वही डॉक्टर ने कंसल्टेंसी फी ले ली तो वो क्या बोलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फी। और अगर उधार में, मतलब उस पेशेंट ने अभी फीस नहीं दी थी, वो क्या बोलेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फी। या मेरी एग्जांपल दे दो, मैं ट्यूशन फी लेता हूं बच्चों से, तो अगर आपने कैश में दे दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा रेवेन्यू की, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी, ट्यूशन फी अपनी इनकम लूंगा। और अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए तो मैं आपको करूंगा डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फी अकाउंट। तो क्रक्स का निकला, तो फी इनकम आपका रेवेन्यू है यहां पे, जिसको आपने क्रेडिट करना है। हाँ, डेटर तो होगा ना, तो डेटर को डेबिट करेंगे, मानिया डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर इज डेबिट, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट किसको करोगे, सेल ऑफ सर्विस, तो सेल ऑफ सर्विस से क्या इनकम खोलोगे यहां पे, फी इनकम किसने खोला है, कुछ भी हो सकता है, कंसल्टेंसी फी होता है, जो भी होगी वो फी होगी। अब समझ आया, ठीक है। मानिया ने क्वेश्चन पूछा था, मलिक ने क्वेश्चन पूछा था, और ये बोरे के सर हमें समझ आया। देखो यहाँ पे मैं जस्ट बोलूंगा आप सबको, हम सब भाई बहन है, तो किसी को हो सकता है किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा, प्लीज अपने लेवल पे ये नहीं सोचना कि यार हमें तो समझ आया था, अब इसको समझ नहीं आ रहा तो 2 मिनट जाया हो जाएंगे। हो सकता है इसको एक पॉइंट समझ नहीं आया, आपको किसी को कोई और पॉइंट समझ नहीं आया, किसी का हो सकता है कुछ समझ ना आए, तो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी आउट हियर कि मैं उसको समझा दूं, और आप सबका फर्ज ये बनता है कि आप सबर करोगे थोड़ा। देखो मैं भी सबर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली यू विल नॉट बिलीव, मैं जो स्टूडियो मैंने रखा है ये लॉबी में रखा है, अंदर रूम में नहीं रखा है, और लॉबी में मेरा एसी नहीं है, फैन है, और फैन भी अगर मैं 5 की स्पीड पे रखता हूँ ना तो शोर आता है, मैंने फैन को भी 4 की स्पीड पे रखा है और मेरा यहाँ से पसीना आ रहा है,
बट मैं ये सैक्रीफाइस ले रहा हूँ आपके लिए। तो आपको अगर अभी बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया था तो प्लीज बाकी बच्चों के लिए भी थोड़ा सा कभी बर्दाश्त करना चाहिए। ये हालांकि ये क्वेश्चन जो मैंने पहले बोला था तो बच्चों को समझ आ गया था, बहुत सारे बच्चों को, पर दो तीन बच्चे थे जिनको समझ नहीं आया था। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि यार अब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो टाइम जाया हो जाएगा, वो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे चलते हैं। अब तो नहीं है ना किसी को डाउट? ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, आई होप आप सबको क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में करता हूं। द जर्नल एंट्री, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द जर्नल एंट्री, बताना है जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को आप परचेज करोगे। तो इक्विपमेंट आपका क्या है सर? इक्विपमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो इक्विपमेंट आपने परचेज कर दिया, और इक्विपमेंट जो आपने परचेज कर दिया मेरे दोस्तों, दैट इज 2 लाख फॉर कैश। आपने उसके लिए कैश में 2 लाख रुपया दे दिया, एंड ए बैलेंस ऑफ 8 लाख ड्यू इन 30 डेज। अब आपको बताना है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। आपने मशीनरी परचेज कर दी, इक्विपमेंट परचेज कर दिया, जिसके लिए आपने अभी 2 लाख रुपया तो दे दिए, बट 8 लाख रुपया आपको उसके लिए, 8 लाख रुपया आपको उसके लिए, 8 लाख रुपया आपको इसके लिए 30 दिन बाद देना। तो क्या मुझे बोलेगा कोई इक्विपमेंट कितने में परचेज किया? रियाज ने बोला कि सर इक्विपमेंट हमने 10 लाख का परचेज किया। बिल्कुल सही सर, इक्विपमेंट हमने 10 लाख का परचेज कर दिया, इक्विपमेंट हमने 10 लाख का परचेज कर दिया, वेरी गुड। और तो इक्विपमेंट 10 लाख का आएगा, कैश आपका 2 लाख का चला जाएगा, और लाइबिलिटी आपकी 8 लाख की। एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू कैश अकाउंट 2 लाख, टू लाइबिलिटी अकाउंट 8 लाख। तो टोटल डेबिट 10 लाख, टोटल क्रेडिट 2+8 10 लाख। क्या समझ आया? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल ठीक, सारे सही बोल रहे हैं, कैश 2 अकाउंट, सबका सही आंसर है। किसी को इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है? बट हाँ, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा उन सब बच्चों के लिए जिनको थोड़े डाउट्स ज्यादा आते हैं। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद ऑल द स्टूडेंट्स, विद योर, फर्स्टली विद योर सेल्फ, देन विद ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे, ये एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं एनसीईआरटी के, इसका प्रीकंडीशन क्या है? आपने मेरी दोनों बुक्स पढ़ी है, आपने मेरी बुक्स के लेक्चर्स देखे। एटलीस्ट अगर नई बुक अभी नहीं देखी है, क्योंकि उसमें नए टॉपिक्स है जो मेन अकाउंटिंग की सर लिंक नहीं है, जो पुरानी बुक है जो पंचायत के वक्त थी, वो बुक पढ़ी है और लेक्चर्स देखे हैं। अगर आपने अभी लेक्चर्स ही नहीं देखे, अभी आप एमसीक्यू में आ गए, तो आप बाकी बच्चों का टाइम फिर जाया करोगे, फिर आपको उसका जवाब दे देनी पड़ेगी। आपको वो ख्याल रखना है, आपको वो चीज ख्याल रखना है, मैं समझा दूंगा। बट अगर रीजन इसके पीछे ये हो रहा है कि आपने तो मेन अकाउंट लेक्चर्स ही नहीं पढ़े, आप सीधे एमसीक्यू सेशन पे आ गए, तो आप फिर बाकी बच्चों का टाइम जाया कर रहे हो, जो कि एक गुनाह है। तो आपको क्या करना है, मैं समझा दूंगा, आपको क्या करना है कि प्लीज वो लेक्चर्स भी देखने हैं, वो सारी प्लेलिस्ट में है, बुक्स है, प्लीज उनको भी देखना है, तब जाके फिर आपको यहाँ पे समझ आएगा। मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ, देखो क्या है, मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बोलना है कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अगर आपने एक इक्विपमेंट परचेज कर दिया। कितने में परचेज कर दिया? आपने लिए उसके लिए कैश अभी 2 लाख रुपया दिया है, फॉर कैश 2 लाख रुपीज, फॉर कैश 2 लाख रुपीज, एंड ए बैलेंस। जब आप गए उसने उधर, आपका बैलेंस रहा उधर 8 लाख रुपया, जो आपने 30 डेज में परचेज करना है, 30 डेज में पे करना है। कोई सेकंड बुक अभी पेंडिंग हो सकती है, तब आप ये सीरीज दे सकते हो, क्योंकि ये बेसिक अकाउंटिंग पे हम करते हैं। सेकंड सीरीज, सेकंड बुक जो है उसमें जो टॉपिक्स है उसका ईद के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेज करता हूँ। आप गाड़ी लेने गए मेरे दोस्तों, आप गाड़ी लेने गए, 10 लाख की गाड़ी आ रही है, आपके पास डाउन पेमेंट के लिए कैश 2 लाख रुपया है। तो आपने उसको बोला कि 8 लाख रुपया हम 1 महीने बाद देंगे। आप अपने गाड़ी घर लाई तो मुझे गाड़ी की जर्नल एंट्री बता दो। गाड़ी तो आपने 10 लाख की लाई है, मैंने गाड़ी 10 लाख रुपए की लाई है, बट अपनी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करोगे, क्या करोगे? गाड़ी गेट के अंदर अकाउंट डेबिट, तो क्या बोलोगे? गाड़ी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश तो 2 लाख का गया, और टू क्रेडिटर बोलो या लाइबिलिटी बोलो 8 लाख की। समझ आई बात? कैश आपका निकला जाएगा 2 लाख का, और आपकी लाइबिलिटी रहेगी 8 लाख की। तो कैश आप कार आपका डेबिट हो जाएगा, कैश आपका जाएगा सिर्फ 2 लाख का, बट गाड़ी आपकी 10 लाख की आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट आपकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी?
कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी 8 लाख की। इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। आपका इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, जो आपका इक्विपमेंट आया मेरे दोस्तों वो आपका आया 10 लाख का, आपका कैश चला गया 8 लाख का, सॉरी 2 लाख का, आपका कैश चला गया 2 लाख का, बट जितना डेबिट होता उतना क्रेडिट होना चाहिए, तो 8 लाख का क्या था सर, 8 लाख का क्रेडिटर रहेगा, टू क्रेडिटर। टोटल डेबिट इज 10 लाख, टोटल क्रेडिट इज 10 लाख, बट 2 लाख का नकद दिया उसको और क्रेडिटर आपका 8 लाख का खड़ा हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी 8 लाख की खड़ी हो जाएगी। परचेज इधर नहीं होगा समरीन, इधर परचेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने वर्ड यूज किया है इक्विपमेंट, परचेज ऑफ गुड्स नहीं था। अगर परचेज ऑफ गुड्स होता तो परचेज होता, और यहां पे मैं नॉर्मली बोलता हूं, मैं भी इसमें नहीं हूं, हमने क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे लायबिलिटी यूज करना चाहिए, टू लायबिलिटी अकाउंट, जो भी उस बंदे का होगा, चाहे वो बैंक का लोन हो या कुछ भी, लायबिलिटी यूज करना है, क्योंकि क्रेडिटर हम स्पेसिफिक, डेटर क्रेडिटर सेल परचेज, ये चार चीजें आप याद रखो सिर्फ गुड्स के कंटेक्स्ट में यूज हो रही है। जिसको गुड्स उधार में भेजे वही डेटर है, बाकी अगर किसको दे दिया ना आपने लोन, आप उसको बोलते हो उसका एडवांस अकाउंट या उसका लोन अकाउंट, तो परचेज ऑफ गुड्स नहीं था, परचेज ऑफ इक्विपमेंट था। इक्विपमेंट मींस एसेट, हाँ इक्विपमेंट एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी है ना, इनको इक्विपमेंट्स भी बोलते हैं। अभी हम बोलते हैं ना प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट, इसका जो AS10 अभी आया है, जो इनके फिक्स्ड एसेट के लिए AS10 होता है, उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी होगी आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग प्लांट हो गया आपका ऐसे, ये हो गई, बाकी जो आपके इक्विपमेंट लगते हैं वहां पे जैसे फर्नीचर या बाकी चीजें, उनको हम इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ इक्विपमेंट आपका एसेट होगा, समझ आई बात, इक्विपमेंट आपका एसेट है, इक्विपमेंट आपका एसेट है, परचेज नहीं है, ये परचेज नहीं है मेरे दोस्तों, परचेज होता है परचेज ऑफ गुड्स। हाँ हाँ तो लायबिलिटी अकाउंट लिखना है, इस चीज में लायबिलिटी ही लिखना है आपने। अब देखो ये तो यहाँ पे जब प्रैक्टिकली बात होगी ना, तो उस बंदे का आप अकाउंट खोलोगे ना, जैसे प्रैक्टिकली क्या होगा, जैसे ये 10 लाख का आप गाड़ी लोगे तो उसमें आप 2 लाख कैश देते हो और 8 लाख क्या होता है आपका बैंक फाइनेंस होता है, तो आप एंट्री करते हो कार अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैश अकाउंट 2 लाख टू बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक लोन से होता है, जो जो बंदा होगा उसके नाम का अकाउंट खोलोगे, जिससे लोन ले लिया उसका अकाउंट खोलेगा, तो यहाँ पे हम लायबिलिटी अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद नहीं करने, मैंने देखा आप लोगों ने कहीं पे टेस्ट दिया था, उन्होंने AS पे क्वेश्चन पूछा था, मेरे हिसाब से आपके लेवल पे AS नहीं पूछने चाहिए, हमें भी फाइनल तक पहुंचते पहुंचते उन AS का नाम याद होता, तो आपके लेवल पे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि आपको AS याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुझे लगता है आप आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर डाटा की भी दिक्कत भी होती है ना वहां पे, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना, तो इसका बी पार्ट आंसर है, इनने क्रेडिटर रखा है, आप इसी को टिक मार देना, वो लायबिलिटी है। बोल रहे व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं, व्हेन एन एंट्री इज मेड इन जर्नल, बोल रहे एसेट्स आर लिस्टेड फर्स्ट, पहले हम एसेट को लिखेंगे फिर लायबिलिटी को लिखेंगे। अकाउंट भी डेबिटेड लिस्टेड फर्स्ट, पहले जिन अकाउंट को डेबिट करना होता है उनको रखना है। अकाउंट भी क्रेडिटेड लास्ट, अकाउंट्स में भी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, तो क्या कोई ऑर्डर है जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो कोई ऑर्डर है, द आंसर इज यस। क्या सर, हम पहले लिखते हैं जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है, जैसे ऊपर के अकाउंट थे सर कैश अकाउंट डेबिट, ये जैसे ऊपर का अकाउंट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, तो सर पहले उसको लिखते हैं जो डेबिट होना है, चाहे वो एसेट हो या एक्सपेंस हो, जो डेबिट होने वाला है वो, उसके बाद ऑर्डर है तो जो अकाउंट डेबिट होगा सबसे पहले वो लिखते हैं। तो बी पार्ट सबका आंसर है, मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई गलत नहीं हो रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ये क्वेश्चन नहीं था अभिषेक, ये ऑर्डर ये थोड़ा सा डिफरेंट था, मुझे पता है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों बोल रहे हो, ये उसमें नहीं था, ये था कि आपको पहले डेबिट लिखना है कि क्रेडिट लिखना है। जब आप लिखते हो ना, जैसे मैंने ये एंट्री की थी ऊपर, ऊपर मैंने जो एंट्री की थी ना कैश अकाउंट, ये इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और वो अकाउंट, तो उसी पे क्वेश्चन है ये, सबसे पहले आप डेबिट वाली चीज लिखते हो, सबसे पहले आप डेबिट वाली चीज लिखते हो,
जैसे ये मैंने किया था ना यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये इसकी बात करता है। जब आप जर्नल एंट्री करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप डेबिट वाली चीज को लिखते हो, उसके बाद फिर आप क्रेडिट वाले लिखते हो। उस पर क्वेश्चन था मेरे दोस्त। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो वो वाला है ना मेरे दोस्त अभिषेक भाई, उसका मतलब होता है कि डेट वाइज होता है, पहले पहले 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री हो जाएगी, फिर जाके 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी, वो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज्ड एंड रिकॉर्डेड, अगर हम एक ट्रांजेक्शन को ठीक से रिकॉर्ड करें और एनालाइज करें तो हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे, क्या ओनली 2 अकाउंट्स विल बी यूज्ड? नहीं, ऊपर तो हमने देखा 3 अकाउंट हो गए, एक इक्विपमेंट था और कैश था और क्रेडिटर, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनली 2 अकाउंट रिजॉल्व हुए, 1 अकाउंट नहीं, किसी का बढ़ेगा किसी का बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, दोनों का भी कम हो सकता है, एक कैश था एसेट वो भी कम हो गया और आपकी लाइबिलिटी थी वो भी कम होगी, तो ये भी जरूरी नहीं है, दोनों अकाउंट्स कम हो सकते हैं। तो फिर क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, जो ऊपर के क्वेश्चन में किया था हमने दोस्तों, जो ऊपर के क्वेश्चन में किया था, टोटल डेबिट 10 लाख इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट 10 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मंथली बिल, अगर आपने पे कर दिया मंथली बिल, अब बोलोगे सर ये मंथली बिल क्या होता है, कोई भी बिल जो आपको पे करनी थी, जैसे आपकी टेलीफोन की बिल है, एक्सपेंस है, ये घुमाने के लिए रखता है मंथली बिल, मतलब आप कोई भी एक्सपेंस पे करते हो, जो भी बिल है, तो मंथली बिल आप यहाँ पे रखोगे, जो भी होगा, टेलीफोन एक्सपेंस होगा, रेंट होगा, सैलरी होगा, जो भी होगा, यूटिलिटी वाटर चार्जेस होगा, बिल है तो नॉर्मली रहता है रेंट का हो सकता है आपको, या मेनली रहता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, तो बिल एक्सपेंस जो भी हुआ उसको डेबिट करोगे और आपका कैश चला जाएगा, तो करेक्ट आंसर आएगा डेबिट मंथली बिल एंड क्रेडिट कैश। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ठीक है, समझ आ रहा। अब 7th पे आ जाते हैं, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड सैलरी, अगर आपने सैलरी पे कर दी तो एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी को डेबिट करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे, तो पहला ऑप्शन सही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ऑल गुड। अब हमें इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज बचती है, और ये बहुत बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है, मतलब आप ये ऐसी इलस्ट्रेशन है जिसमें आप, मतलब ये मैं थोड़ा सा बोल सकता हूं कि ऐसी इलस्ट्रेशन है जिसमें होपफुली एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा इसमें से आएगा, फिर थंबनेल चढ़ा दूंगा, थंबनेल चढ़ता है, मैं देखता हूं कभी चैनल्स में थंबनेल होता है डेफिनेट 2 मार्क्स इन दिस लेक्चर, अरे भाई तुम खुदा थोड़ी हो, खुदा थोड़ी है कोई बंदा जो बोलेगा भाई डेफिनेटली इसमें 2 मार्क्स इसमें ये, नहीं पूछा एसएसबी वालों ने, तो उनकी अपनी मर्जी है वो, तो बट मैं बोलता हूँ होपफुली आना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है जो अब अभी हम इलस्ट्रेशन करना चाहिए, आना चाहिए उसमें से, आएगा नहीं वो एसएसबी वाले जानते हैं और अल्लाह जानता है। ठीक है ना रियाज, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर आप टॉपिक के बाहर करोगे, एक बात है ना, क्योंकि हो सकता है किसी को फिर जाना होगा, है ना, उसका टाइम हम जाया नहीं करेंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आराम से सुनना पहले मेरी बात, इशूड ए चेक फॉर 8000 टू पे रेंट, आपने रेंट पे करने के लिए चेक दे दिया, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज, यहां पे सिर्फ आपको फोकस करना है इस पे, यहां पे आपको फोकस करना है इन वर्ड्स पे, मैं जूम करता हूं, एक मिनट मैं जूम करता हूं, आपको फोकस करना है मेरे दोस्तों, आपको फोकस करना है इस पे, डेबिटेड टू क्रेडिटेड टू क्रेडिटेड डेबिटेड, इन पे प्लीज इन पे फोकस कर लो। क्वेश्चन में गलती क्या हो जाएगी, आपको ये ऐसे सारे क्वेश्चन, मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, आपको ऐसे सारे क्वेश्चन आते होंगे, बट आपको पता है गलती कहां पे लगेगी, आप जल्दी में करोगे डेबिटेड क्रेडिट, आपको कुछ होगा क्रेडिट परचेज इज डेबिटेड टू, आपने बोला यार क्रेडिट परचेज है ना तो कुछ भी करो क्रेडिटर तो करो, अरे भाई वो डेबिटेड टू लिखा है, डेबिटेड टू देखना है ना क्या लिखा है, तो डेबिटेड तो परचेज ही हो जाएगा, आपने बोला क्रेडिट है तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर का कोई लिंक है तो क्रेडिटर को डेबिट करते हो,
तो उस तरीके से आप अपना मार्कस खो सकते हो। हालांकि अगर उसकी आप जनरल एंट्री करोगे तो आप सही आंसर बोल सकते हो। तो उसको दिमाग में जल्दी जल्दी जनरल एंट्री करो और फिर बोलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डेबिट बोल रहा है तो ऊपर वाला है, क्रेडिट है तो नीचे वाला है। दिस शुड बी द अप्रोच। कोई भी चीज है उसकी जनरल एंट्री या तो लिख लो जल्दी जल्दी या दिमाग में डालो। अगर टाइम कम है तो दिमाग में डालो। अगर डेबिट टू लिखा है तो जो ऊपर वाला डेबिट टू है वो, और क्रेडिट है तो नीचे वाला। ठीक है, लेट्स गो विद दिस एटीट्यूड। ओके, इशूड अ चेक टू पे रेंट और अकाउंट किसको डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो लिखा है डेबिट किसको करेंगे, सर डेबिट रेंट को करेंगे। तो इसका क्या आंसर आएगा, सर इसका आंसर आएगा रेंट। मैं साथ साथ में यहां पे लिखूंगा, फिर हम लास्ट में देखूंगा आपने क्या आंसर लिखे। क्वेश्चन नंबर टू, कलेक्टेड 35,000 फ्रॉम डेटर। डेटर से आपने 35,000 लिए और आपको क्वेश्चन क्या पूछा, क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर को मैंने क्रेडिट करना है तो इसमें डेटर आएगा, इसमें डेटर आएगा, क्रेडिट द डेटर। ठीक है, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी फॉर 18,000। आपने ऑफिस की स्टेशनरी परचेज कर दी 18,000 की, किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे। सर क्रेडिट कैश को करेंगे, थ्री का क्रेडिट कैश को करेंगे क्योंकि हमारा कैश जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, परचेज्ड न्यू मशीनरी, परचेज्ड न्यू मशीन फॉर 1,70,000। आपने न्यू मशीन परचेज कर दी 1,70,000, इशूड ए चेक फॉर द सेम और आपने इसके लिए क्या कर दिया, चेक भी दे दिया। अब बताओ किस अकाउंट को डेबिट करोगे। सर हम मशीन के अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीन मेरा एसेट है, मेरा एसेट आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन को डेबिट करेंगे। वेरी गुड। फिफ्थ पार्ट, इशूड अ चेक फॉर ₹70,000 टू पे ऑफ ऑन द क्रेडिटर। एक क्रेडिटर को आपने पे करना है, द अकाउंट टू डेबिटेड इज, नाउ आर यू गिविंग द 70,000 चेक टू योर क्रेडिटर, नाउ द क्रेडिटर विल बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे हम डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिटर को। अब सिक्स्थ वाला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सिक्स्थ वाला पार्ट, Returned क्या, damaged office stationery। आपने office stationery purchase की थी but वो damaged form में निकली और आपने उसको वापस दे दिया बंदे को और उसने आपको ₹50 दे दिए। The account to be credited is, किसको credit करोगे, किसको credit करोगे, किसको credit करोगे। Sixth part, अब sixth part का answer दे दो। अब मुझे पता था यहाँ पे आप फंस जाओगे। स्टेशनरी अकाउंट, द फर्स्ट पर्सन टू गिव द करेक्ट आंसर इज इसराइल। ओके, स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी, मेरे दोस्तों ये परचेज रिटर्न नहीं है, ऑफिस स्टेशनरी लिखा है, ये आपका परचेजेस नहीं है। जब आपने स्टेशनरी को परचेज किया था तो आपने किसको डेबिट किया था, आपने स्टेशनरी को डेबिट किया था। अब वही स्टेशनरी आपने वापस कर दी तो वो परचेज रिटर्न कैसे होता है। परचेज रिटर्न मीन्स रिटर्न ऑफ द गुड्स विच यू हैड परचेज्ड, दीज वर नॉट द गुड्स एब इनिशियो। ये आपने स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी नाम से डेबिट किया था और उसी को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब मुझे बता दो, ऑफिस स्टेशनरी जब परचेज किया था तो स्टेशनरी को डेबिट किया था, अब उसी को जब वापस भेजोगे तो क्रेडिट किसको करोगे, स्टेशनरी को। चाहे आप स्टेशनरी को पहले एसेट मानते हो तो एसेट को डेबिट किया था, नाउ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या अगर आपने स्टेशनरी को पहले एक्सपेंस माना था तो एक्सपेंस को डेबिट किया था, वही एक्सपेंस आपका कम हो रहा है क्योंकि आपको 50,000 वापस मिल रहे हैं तो उस एक्सपेंस को आप क्रेडिट करोगे, तो स्टेशनरी को क्रेडिट करेंगे। दिस इज नॉट अ स्टेशनरी शॉप मेरे दोस्त। अब ये क्वेश्चन मत पूछो इफ दिस इज अ स्टेशनरी शॉप, फिर आपको गुड्स लिखा होता है। प्लीज कुछ चीजें क्वेश्चन से इंप्लाइड लेनी है, मुझे समझ आया आप क्या बोलना चाहते हो, तब तो वही आंसर होता जो आपने बोला। बट ये स्टेशनरी शॉप नहीं है, द अजम्पशन आउट हियर इज बिकॉज दे आर नॉट मेंशन द गुड्स, तो वो गुड्स लिखते हैं, ऑफिस की स्टेशनरी है मेरे दोस्त। और वहां पे अगर स्टेशनरी दुकान है उसकी अगर ऑफिस की स्टेशनरी है देन देयर विल बी सेम थिंग, बट अगेन वो क्या किसी और से परचेज करेगा ऑफिस की स्टेशनरी। स्टेशनरी वाला अपने ऑफिस में भी तो उसको स्टेशनरी लगती है ना, तो क्या वो किसी और से परचेज करेगा, वो तो अपनी परचेज से निकालेगा, तो उसको अलग से एंट्री करेगा ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, वो अलग कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे मेरे दोस्तों। नाउ आई थिंक आपको समझ आया कि इसमें स्टेशनरी अकाउंट क्यों आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं था इनिशियली, स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी लिखा था। ठीक है दोस्तों, समझ आया। सेवंथ पार्ट, प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर 65,000 ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट में सर्विसेज दे दी 65,000 की, तो किसको डेबिट करोगे। सर डेबिट द डेटर, जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट, तो किसको डेबिट करेंगे। सर डेटर को डेबिट करेंगे, तो इसमें आएगा डेटर अकाउंट।
टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, थक मत गए मुनीब। यहां पे क्रेडिट की बात हो ही नहीं रही थी, अगर क्रेडिट लिखा होता तो क्रेडिट आपकी जो फी थी वही होती ना, जो भी आपने सर्विस दी थी, सेल ऑफ सर्विस, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था फी इनकम, तो वही होता। तो यहां पे डेबिट लिखा तो डेबिट डेटर को करेंगे ना। क्या लिखा था आपने? क्रेडिट सर्विसेज दे दी, आपने क्रेडिट सर्विस दे दी, जो पहले वाला क्वेश्चन था उधर भी था ना ये चीज, आपने क्रेडिट में सर्विस दे दी, आपने क्रेडिट में सर्विस दे दी वहां पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर को डेबिट करेंगे और अपनी इनकम को क्रेडिट करेंगे। इनकम को आप किसी भी नाम से रखो, मैं सपोज मैं था, मैंने क्रेडिट में सर्विस दे दी कहीं पे, तो मैं ट्यूशन फी करूंगा क्रेडिट। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि आप डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट डेटर को करेंगे, डेबिट डेटर को करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट मेरी इनकम को करेंगे, जो यहां पे सर्विस फी होगी या किसी भी नाम से होगी, फी इनकम। अब टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 रह गई, अब बता दो क्या करना है, आज करना है कि कल करेंगे उसको? सारे बोल रहे हैं कल करेंगे, और ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा सा थक गया, और उसमें 10 क्वेश्चन है तो करते करते कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे, और आपके डाटा का भी इश्यू होता है, और मैं भी ऑनेस्टली थक गया, तो उसको हम कल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो बता दो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो। रियाज, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? समीर, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? उसमें क्या लिखा था? उन्होंने बोला था कि ये जो अकाउंट्स है आपके, आप बता दो किस वाली कैटेगरी ने सही से बायफरकेट किया है, चाहे वो एसेट है या कैपिटल है या रेवेन्यू है, जो भी था। अब उससे पहले क्रेडिट परचेज से उसने क्रेडिट सेल लिखा था, ठीक है ना। अब क्रेडिट सेल को अगर देखोगे, एनसीईआरटी ने रेवेन्यू में रखा था, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मली क्रेडिट सेल लिखा है तो आप क्या बोलोगे? सेल की बात हो रही है यहाँ पे, तो सेल आपका क्या है? सेल आपका रेवेन्यू है। फिर उन्होंने लिखा क्रेडिट परचेज, तो हिंट वही हो रही है ना, सेल और परचेज की बात हो रही है, तो परचेज आपका एक्सपेंस आएगा, चाहे वो कैश परचेज हो, मैं उसको इस एंगल से लेता हूँ, चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो, तो परचेज इज माई एक्सपेंस, तो मैं उसको एक्सपेंस बनूंगा। अब उसने वहां पे क्या इंटरप्रिटेशन किया है क्रेडिट सेल के वक्त, तो ठीक यही वाली इंटरप्रिटेशन कर दिया मेरी वाली, कि भाई दिस इज अ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में जाएगा। बट जो ही क्रेडिट परचेज आया तो उसने उसका मतलब निकाला कि क्रेडिट परचेज से मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो उसको मैं लाइबिलिटी में डालता हूं। अब वो मेरी बात समझ आ रही है? उसने क्या अप्रोच किया? दो डिफरेंट अप्रोच उसने किया, दो पार्ट्स में, क्रेडिट सेल में एक अप्रोच किया और क्रेडिट परचेज में एक अप्रोच किया। तो मैं बोल रहा हूँ वो वहां पे गलती कर रहा है, मैं एक ही अप्रोच से कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट सेल इज माय रेवेन्यू, क्रेडिट परचेज इज माय एक्सपेंस। समरीन समझ आया? संदीप, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, दूसरी फैकल्टी जो भी है उसमें से मैं सिर्फ मैथ सर जो है नईम सर, उनका नंबर पब्लिकली शेयर है, बाकियों का नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी मजबूरियां होती है, तो वो सही नहीं रहता कि हम उनका नंबर शेयर करें। स्पेशली फीमेल टीचर्स का तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा मैं किसी फीमेल टीचर का नंबर शेयर करूँगा। और रही बात की रूप सर की, रूप सर का क्योंकि वो खुद प्रिपरेशन करता रहता है बेचारा, तो आप में से किसी को भी किसी फैकल्टी का डाउट आता होगा आप मुझे मैसेज किया करो, मुझे ठीक लगेगा, मैं उसको फॉरवर्ड करके उससे जवाब लूंगा। लगेगा कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी बात ही होनी है तो मैं आपकी बात करवाता हूँ, बट आई होप कि आप इस पॉइंट को अप्रिशिएट करोगे कि उसका नंबर देना सही नहीं रहेगा। रियाज, पहले आप ना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, फिर आपको क्लियरिटी हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या अकाउंट है, ठीक है ना। और आप जो रियाज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, यहाँ मैं इसलिए नहीं लूंगा, ज्वाइंट वेंचर आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, अननेसेसरी बाकी बच्चे क्वेश्चन कंफ्यूज जाएंगे। हाँ बताओ कैसर, बता दो क्या डाउट है आपका कैसर, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। कैसर आपकी आवाज नहीं आ रही, इरफान सिद्दीकी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हो जब तक कैसर की आवाज क्लियर आएगी।
वालेकुम सलाम। हाँ 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 बिल्कुल। नहीं, देखो मेरे दोस्त, अगर फिर आप उसको बोलोगे ना कि पैसा आने वाला है, फिर तो मेरा वो एसेट बनेगा ना। मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ आपको, आपका अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा? आप क्यों बोल रहे हो कि क्रेडिट सेल, अगर ठीक है क्रेडिट सेल है मेरा, आप उससे बोल रहे हो कि मुझे पैसा आने वाला है। ये दो चीजें है ना, जो आप बोल रहे हो पैसा आने वाला है तो वो आपका डेटर हो गया, क्रेडिट सेल। अरे वैसे नहीं होता है मेरे दोस्त, वैसे नहीं होता है। क्रेडिट सेल में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक हो जाएगा डेटर, दूसरा हो जाएगा सेल, है ना? अब मुझे बताओ, आप डेटर की बात कर रहे हो, आप सेल की बात कर रहे हो, अब बताओ मुझे। अब सेल इज योर रेवेन्यू, पैसा आने वाला या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, सेल इज योर रेवेन्यू, ठीक है? अब आ जाओ क्रेडिट परचेज पे, ठीक है ना? यहां पर क्लियर हुआ? अब क्रेडिट परचेज है, मुझे बताओ दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो गए? हाँ, परचेज, एक तो परचेज, दूसरा क्रेडिटर। परचेज किसमें आएगा? अरे मैं डेबिट की बात ही कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ परचेज किसमें आएगा, एक्सपेंस आएगा कि डेटर आएगा? एक्सपेंस आएगा, वही उसी अप्रोच से मैंने इस क्वेश्चन को किया कि परचेज मेरा एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस में आना चाहिए था, क्योंकि ऊपर मैंने सेल को रेवेन्यू ले लिया, मैंने क्रेडिट और कैश को हटा रहा हूं वहां पे। समझ आया? एग्जाम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद नहीं रखने हैं रियाज भाई। कैसर आपका ना, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, आप इसको ना टाइप ही कर लो अपनी क्वेरी को। हाँ अभिषेक, अभिजीत पूछ लो या अभिषेक पूछ लो। हाँ अभिषेक, हाँ बोलो। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, आपने, हाँ, हाँ हम उसको कैश और सेल ही करते हैं। आपने अगर मेरे लेक्चर्स पूरे देखोगे तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए था। हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना? फिर आप बोलोगे मेरा 1500 का प्रॉफिट है, ये कहाँ पे दिखेगा? पता है कहाँ पे दिखता है? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना दोस्त, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो वहां पे आप परचेज डाले दो 1000 रुपया और सेल डाले दो 15,000, तो आपका जीपी वहां पे निकलेगा 500। वो जो आपका परचेज और सेल ऑफ गुड्स होता है, वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो आइटम वाइज नहीं निकालते हैं, वो हम लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं। बट अगर आप फिक्स्ड एसेट को आप बेचते हो तो उसका प्रॉफिट आप साथ में निकालते हो। फिक्स्ड एसेट को आप सेल नहीं करते हो, सेल सेल में क्रेडिट नहीं करते हो, आप फिक्स्ड एसेट को ही क्रेडिट करते हो और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसी वक्त निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, समरीन एक मिनट, समरीन का क्वेश्चन है कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे? जो भी मैंने अभी ग्रुप बना दिया ना, जो भी मैंने ग्रुप बना दिया, मैं उसमें आपको अपना गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करता हूँ, तो आपको ये सब पीडीएफ वहां पर मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लेता हूं, मैं आपको पीडीएफ शेयर, बताओ आप डाउट। हाँ आपकी, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझा आपका, आप किसकी बात कर रहे हो? आप बैड डेट्स और डेटर्स की बात कर रहे हो कि आप क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो? किसकी बात पूछ रहे हो आप? मतलब आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डेटर्स, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये डाउट है आपका? हुँ.
हाँ दोस्त, नहीं, आपने ना किसी भी अकाउंटिंग को एंड टू एंड नहीं समझ रहे हो आप। कहीं पे भी कुछ रटा नहीं रखना याद, आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को एंड टू एंड समझना है। मुझे आपका ना डाउट पूरा अभी तक समझ नहीं आया, बट मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कुछ लिखने की, आई होप आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आप मुझे बोल देना, ठीक है ना। देखो क्या होता है, अगर मैं रेंट की बात करता हूँ, आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सबसे पहले की बात, जब रेंट आप पे करोगे, आप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया करोगे। फिर जब ये रेंट अकाउंट में रहेगा, है ना, जब मैं रेंट अकाउंट बनाऊंगा तो यहां पे आएगा टू कैश 10,000 रुपया। फिर जब आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे एट द ईयर एंड, तो इस रेंट को आपने खत्म करना है, ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसको आपने खत्म करना है, तो आप यहां पे लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000। तो रेंट खत्म हो गया, 10,000 10,000 खत्म हो गया, रेंट में कुछ बचा नहीं। अब आपने एंट्री क्या की यहां पे, जब इसको रेंट को आपने ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो आपने एंट्री क्या कर दी मेरे दोस्त, ये एंट्री कैसे कर दी आपने, किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि इसको आप खत्म करना है। यहां पे आप रूल नहीं लगाना रेंट को क्रेडिट क्यों किया, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया, ये आपने क्लोजिंग एंट्री कर दी, ये आपने क्लोजिंग एंट्री कर दी, इनको ट्रांसफर कर दिया आपने पीएनएल में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है टू रेंट अकाउंट। आई होप आपका कुछ डाउट ऐसा ही था। ये देखा आपने कैसे आया यहां पे पीएनएल में डेबिट रेंट। हाँ दोस्त, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो, वॉइस ब्रेक हो, पहले मुझे बताओ ये समझ आया अच्छे से, ये अच्छे से समझ आया अभिषेक, ये समझ आया। अब आपको बैड डेट की दिक्कत आ रही है ना, अब वेट करो वेट करो वेट करो, ऐसे ही वेट करो। आपका डेटर था मेरे दोस्त, आपने किया डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सबसे पहली एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000, ठीक है। अरे वो बंदा फ्रॉड ही निकला, पैसे ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे बैड डेट हो गए, तो आप एंट्री करोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000, उसने पैसे दिया नहीं ना। अब डेटर को खत्म करोगे, बैड डेट का एक्सपेंस क्रिएट करोगे, अब इस एक्सपेंस को आप पीएनएल में लोगे, तो एंट्री करोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 10,000। यहां पे आप जब पीएनएल बनाओगे, पीएनएल में भी आएगा टू बैड डेट्स 10,000। अब अगर मेरे दोस्त अभिषेक भाई, अब अगर प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि आपको कुछ और दिख रहा है कहीं पे, ये मैंने आपको लॉजिकली बताया था दोनों चीजें, अगर आपको कुछ और भी लग रहा है कि नहीं कहीं पे कुछ और किया है किसी ने, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है ना दोस्त, है ना। यहाँ पे आपको वॉइस भी ब्रेक हो रहा है, अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें कि कैसे क्या हो रहा है, आप वो एक बार दोबारा रेफर कर देना जहां पे आपको ये डाउट आया था, फिर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज के मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आप सबको होगा ही। डाउट ही क्लियर हो गया, चलो ठीक है। और किसी का कोई डाउट है क्या? वालेकुम सलाम। हाँ मैंने आपको वही बोला कि आप ना लास्ट वाला जो लेक्चर मैंने लाइव लिया था ना, जर्नल एंट्री इलस्ट्रेशन टू, इसी चैप्टर का इलस्ट्रेशन टू मैंने लाइव लिया था, वहां पे भी मैंने समझाया, उससे पहले 10 बार मैं ये 10 जगहों पे समझा दिया हूं। मैं अगेन बोलता हूं, कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, हर कोई स्कूल ऑफ थॉट उस पर एग्री नहीं करता, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता है। मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए, दूसरा बोलता है मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, जैसे परचेज है और सेल है, मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसेस है, मेरे हिसाब से ये एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल है, ठीक है ना। कोई बोलता है नहीं परचेज तो बेसिकली गुड है, गुड तो एसेट है मेरा, तो परचेज होना चाहिए रियल और सेल होना चाहिए रियल। इसी तरीके से कुछ स्कूल ऑफ थॉट का बैंक में भी डिफरेंस है, वो बोल रहे यार बैंक अगर है
बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक आएगा आर्टिफिशियल पर्सन में, वो पर्सन आएगा। कुछ बोलते हैं नहीं, मैं अगर देखूंगा मैंने आपने बैंक में पैसा रखे तो जिस तरह से मेरा कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड मेरा रियल अकाउंट है, इसी तरह से मेरा कैश एट बैंक है तो पूरा कैश एट बैंक मेरा रियल है। बट कोई बोलता नहीं ये बैंक के पास पैसा है तो बैंक पर्सनल है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आपको कहीं पे इसको पर्सनल मिलेगा, किसी पे आपको रियल मिलेगा, आपको इसमें दिमाग जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्त। अब रियाज बोल रहा है कि आप बैंक अगर ये एग्जाम में आया तो क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ परचेज सेल्स को नॉमिनल मानना। बैंक अकाउंट अगर बैंक अकाउंट के बारे में मैंने क्या स्टैंड लिया है, अगर खाली कैश एट बैंक लिखा है या बैंक अकाउंट लिखा है अपना तो मैं उसको रियल मानता हूँ, बट अगर लोन फ्रॉम बैंक लिया है तो मैं उसको पर्सनल मानता हूँ। क्यों? यहाँ से आपकी लाइबिलिटी है तो ये आपका एसेट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, और लाइबिलिटी पर्सनल नेचर की है आर्टिफिशियल पर्सन से, तो मैं लोन फ्रॉम बैंक को पर्सनल मानता हूँ, ठीक है दोस्त। कैन वी कॉल इट अ डे कि किसी और का कोई डाउट है? सेशन को क्लोज करें और कल मिले इंशाल्लाह 10 बजे। लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो, जर्नल में आप एक कॉलम रखते हो लेजर फोलियो नाम का, और उसमें लिखते हो कि लेजर के कौन से पेज पे ये एंट्री हुई है। इसी तरीके से लेजर में आप लिखते हो हर ट्रांजैक्शन के नीचे लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो बोलते हो कि जर्नल से कौन से पेज से हमने लाया, कल को चेक करना होगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो लेजर में जर्नल फोलियो आता है, जर्नल में लेजर फोलियो। लेक्चर में मैंने इन दोनों को कवर कर दिया है। सो मानिया अपलोड होगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड कि रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। बट ऑनेस्टली अगर कोई मुझे आज 48 बच्चे टच हो गए और मोस्ट ऑफ द लेक्चर में वो 45 बच्चे थे, तो मेरे लिए यही चीज है, मैं उतने बच्चों को पढ़ाऊं जो पूरा ऑनेस्टली पढ़े, ए टू जेड क्लास में रहे विद अ डेडिकेशन। तो ये आएगा, रिकॉर्ड रहा होगा तो अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं रहा होगा तो नहीं होगा अपलोड। नुकसान तो फिर बोलोगे लॉन्ग रन में शायद मेरा ही होगा, मेरे व्यूज कम हो जाएगी, उससे मैं तो व्यूज को टेंशन नहीं लेता हूँ। बट यही चीज होगा, दिस इज एन एडवांटेज कि मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पहले बच्चे इतने सारे आ जाएं फिर लास्ट में कम ही बचे रहे, क्यों मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। तभी मैंने वही एक बैच रखा है, मैं तो इस वाली लिंक को टेलीग्राम पे भी डाल सकता था, आ जाओ क्लास को ज्वाइन करो, बट आई वॉन्ट डेडिकेटेड बैच ओनली जो एंड तक मेरे लेक्चर में रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर होगा तो अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेजर फोलियो में मैंने तो ये क्वेश्चन में स्टार्ट में ही बोला लेक्चर में कि वो कब एंट्री करेगा, जब लेजर में डालेगा फिर जर्नल में बोलेगा कि लेजर फोलियो, लेजर में कौन से पेज पर है। लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, सी यू टुमारो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, शब खैर, ठीक है।